नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 8 मार्च 2022, समय 9:03:48 हो रहे हैं, और यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने करेंसी के चार क्वांटिटी को बेच दिया है। मैंने सेल साइड बैठा हूं करेंसी में। ये जो पहली कैंडल वीक देख रहे हैं इतनी बड़ी, पता नहीं ये फॉल्स है या पता नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे दिखाया इसने, 75 के तक, 75.50 तक आ गया था, और वहां से ये पता नहीं ये सही है या गलत, लेकिन मैंने चार क्वांटिटी सेल किया हुआ है। 240 का प्रॉफिट चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, 250 हो चुका है, और मेरा आज के लिए सिर्फ यही ट्रेड होगा, सिर्फ और सिर्फ करेंसी ट्रेड होगा, दूसरा कोई भी ट्रेड नहीं होगा। अगर हम प्री ओपन सेशन की बात करें तो प्री ओपन सेशन में मार्केट बहुत खराब है, 200 पॉइंट, लगभग 200 पॉइंट देखिए मार्केट चल रहा है 15,687 पे, और देखते हैं कहाँ सेटल डाउन होता है 15,687, दैट मीन्स कल के लोअर लेवल के नीचे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो आपको 200 पॉइंट आराम से दे जाएगा, यानी 15,500 तक आने के चांस फिर बना देगा। अगर इसके ऊपर रह गया तो यहाँ पर से ये, जिस तरह से यहाँ से ये ऊपर गया था, देन इसी जगह से फिर ये दोबारा ऊपर जा सकता है। अगर नहीं गया तो यहाँ से फिर टकरा के यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो ये 200 पॉइंट इस तरह से ट्रेड करते हुए कुछ नीचे की साइड में आ सकता है यहाँ तक। तो फिलहाल 15,695-700 के आसपास में ट्रेड हो रहा है निफ्टी में, और सेटल होने की कोशिश कर रहा है, प्री ओपन में चल रहा है, सेटल होने की बात चल रही है, देखिए कब कहाँ पर सेटल होता है। मैंने करेंसी सेल किया हुआ है, मेरा एवरेज प्राइस है 77.36 का एवरेज प्राइस है, वहाँ से देखता हूँ क्या आज ये आ पाता है या नहीं। मेरा अगर इसके टारगेट की बात करें तो मेरा टारगेट है 76.60 के आसपास में, ये एरिया जो है ये पहला एरिया मेरा होगा 77 का, दिस इज माई टारगेट, फर्स्ट टारगेट। एंड सेकेंड टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा टारगेट फिर मेरा यहाँ आएगा, ये एरिया, ठीक है। तो ये पहला टारगेट होगा ये लाइन, और दूसरा यहाँ टारगेट होगा। तो अभी देखते हैं क्या करेंसी यहाँ तक आ पाता है या नहीं, क्योंकि मेरा व्यू इस पर सेल का ही रहेगा, करेंसी को मैं सेल ही कर रहा हूँ। तो उम्मीद है ये सारे चीजें मैंने आपको बता दी, आज पूरा फोकस मेरा इसी पे रहेगा, करेंसी पे। देखिए जो स्टॉक्स मैंने दिए हुए हैं आप लोगों को, जैसे कि विप्रो दिया है, यूपीएल दिया है ना, उसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और लाइव मार्केट में कॉल तो आपको मिलेगा ही। अगर आपने मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, आरके ट्रेडिंग गूगल प्ले पे एंड्रॉयड वर्जन है, और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये सब कुछ स्टॉक्स है जो मैंने अपने 3-स्टार वीडियो में रिकमेंड किया था, और बाकी देखिए 510 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। देखते हैं करेंसी आज मुझे कितना प्रॉफिट देता है, या कितना जो स्टॉप लॉस होगा वो पहली कैंडल का, अगर ये कैंडल है तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा के बैठूंगा, 77.50 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ। थोड़ा वेट करके चलते हैं, और अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। दोस्तों समय हो गया 9:56:58, और यहाँ पर मैंने एक बैंक निफ्टी का 34,500 का कॉल लिया है, हालांकि मुझे नहीं लेना था, करेंसी में ही ट्रेड करना था, लेकिन मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आ रहा है। और आप ये देख रहे हैं ये पहली 15 मिनट की कैंडल है, पहली 15 मिनट की कैंडल के अंदर में ये इनसाइड बना के ट्रेड कर रहा है, तो मैंने बिल्कुल यहाँ लोअर के पास में खरीदने की कोशिश किया है। मेरा प्राइस जो है वो 85.70 का एवरेज प्राइस है। अब बाकी रहा मेरा करेंसी का, तो करेंसी का ट्रेड तो मेरा चल रहा है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया कि मेरा ये ट्रेड रहेगा टारगेट 77 के पहला, और दूसरा रहेगा 76.60 के आसपास का। ओवरऑल जो पोजिशन है वो 447 पे, दो ट्रेड है, एक करेंसी एक बैंक निफ्टी, करेंसी को सेल किया है, बैंक निफ्टी को बाय किया है, कॉल ऑप्शन 34,500 का। तो देखते हैं क्या ये दो ट्रेड मेरे आज मुझे प्रॉफिट में फिर बना के देता है या नहीं देता है। मैंने आप लोगों को भी करेंसी का सेल दिया हुआ है, बिल्कुल सेल करिए, मस्त में रहिए और प्रॉफिट बनाइए, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने निफ्टी के भी कॉल ऑप्शन आपको बाय करने के लिए दिया हुआ है, निफ्टी का कॉल ऑप्शन 16,100 का भी दिया है, 16,200 का भी दिया है। 16,100 में ऑलरेडी मैंने 90 के ऊपर बाइंग दिया है, आप इसमें से चाहें तो कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चूंकि 100 के आसपास चल रहा है, 103 का इसने हाई मारा, 104 का, तो लगभग 14 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए है ना। तो कुछ क्वांटिटी अगर आप चाहें तो जरूर बुक कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करवा देता हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए मैं सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर देता हूँ, 16,100 का आप सी जो है बुक सम प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट बन रहा है आपको, है ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करा दिया, तो इस तरह से मैं जो हूँ आप लोगों को बीच बीच में बुक भी कराता रहता हूँ, ट्रेड भी करता हूँ, खुद भी करता रहता हूँ। तो मेरा ये ट्रेड देखिए बैंक निफ्टी का एक अच्छा 131 रुपये एक ही लॉट लिया है, और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एक बार यहाँ 125 तक आना चाहिए, वेट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ, ऑल पोजिशन यही आपके सामने 655 रुपये का है। देखिए करेंसी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंसी गिरता हुआ नजर आ रहा है,
करेंसी बिल्कुल मेरा सेल साइड का व्यू है, इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वेट करेंगे, फिलहाल रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ बैंक निफ्टी ने शानदार मूव किया, 330 रुपए का प्रॉफिट हो गया और साथ ही करेंसी ने भी अच्छा मूव किया है, 720 रुपए का करेंसी में प्रॉफिट चल रहा है। टोटल 1091 रुपए का 1120 हो चुका है, 1125 हो चुका है। देखिए करेंसी भी शानदार तरीके से नीचे आ रहा है और एक टारगेट भी अब आपकी तरफ आता हुआ बढ़ता हुआ। देखिए 804 लॉट मैंने बेचे है, 4 क्वांटिटी, उसमें 800 का प्रॉफिट और इधर बैंक निफ्टी में शानदार प्रॉफिट, टोटल 1100 का प्रॉफिट 1053 का चलता हुआ नजर आ रहा है। वेट करें तो देखिए ये सारी चीजें, देखिए करेंसी मैंने कल भी आपको सेल दिया था उसमें आपको प्रॉफिट टोटल टारगेट आए, और आज भी मैंने करेंसी सेल दिया टोटल उसमें भी टारगेट आएंगे। डोंट वरी, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा लेकिन प्रॉफिट में है आप, है ना। तो जो चीज़ें होती है ना ये आपको एनालिसिस, स्टडी और आपके अपने बिलीव के साथ होता है। अगर आपको अपनी चीज़ों पे बिलीव होता है, भरोसा होता है, एनालिसिस करना आता है, चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, तो आपको ज़रूर पैसा बनेगा। बस आपको आते के साथ चौका छक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे ट्रेड करिए, छोटी छोटी क्वांटिटी। लोगों को छोटी क्वांटिटी, जैसे मैं बोलता हूँ तो लोगों को मिर्च लग जाता है थोड़ा सा, कहेगा छोटी क्वांटिटी मज़ा नहीं आता है सर, क्योंकि उसको तो मज़ा के लिए ट्रेड करना है ना, पैसा के लिए नहीं ट्रेड करना है। हम लोग थोड़ा घर चलाने के लिए ट्रेड करते। तो जैसे देखिए मेरा आ जाएगा 1000 रुपये, आ गया, इस टर्मिनल का काम हो गया कंप्लीट, मैं क्लोज भी कर दूंगा तो मेरा बाप का कुछ भी नहीं जानने वाला है, क्योंकि मेरा इस टर्मिनल का यही टारगेट है। 1000-1500 रुपया लिया दिन भर का, लेके निकल गया, बात करते तो मेरा अपना खत्म हो गया, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मुझे करेंसी पे पूरा बिलीव है, करेंसी पे पूरा भरोसा है कि ये और नीचे आएगा, करेंसी और अच्छे से 77 के पास में आएगा। यहां पे आएगा तो मैं 2 लॉट बुक करूंगा और बाकी 2 लॉट को ट्रेल करके छोड़ दूंगा। तो यहां पर मैं एक टारगेट करेंसी के 2 लॉट के मैं लगा दूंगा, मैं 2 लॉट का करेंसी का टारगेट 77 के पास लगा दूंगा। देखिए यहां पे मैंने बाय करना है ना, टारगेट लगाने के लिए तो बाय करना होगा ना, चूंकि सेल किया हुआ मैंने, तो 2 लॉट मैंने यहाँ पे सेल के लिए लगा दिया। देखिए और यहाँ पे मैंने टारगेट लगा दिए, तो 2 लॉट मैंने सेल के लिए लगा, यहाँ पे बुक कर लूंगा और बाकी मैं 2 लॉट को ट्रेल कर दूंगा। तो ओवरऑल जो देखिए आप प्रॉफिट देखे 1300 हो गया, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किया है ना, बैंक निफ्टी ने क्या किया, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किया। यहाँ पे देखिए 573 का प्रॉफिट हो गया शानदार तरीके से, और मैंने आपको निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन दिया था उसका भी टारगेट देखिए आ गया 110। आपको मैं दिखा तो 111 का इसने हाई मारा, और 111 का इसने अगर हाई मारा है तो इसने देखिए मैं आपको निफ्टी का 110 का पहला टारगेट है ना, तो निफ्टी का 16100 का जो सीई है फर्स्ट टारगेट डन हो गया कि नहीं। मैं ये सारे काम आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसके कोई चार्ज नहीं लगते दोस्तों, ये सारे चीज मैं आपको फ्री में देता हूँ, देखिए है ना। और इसी तरह से आप इंजॉय करिए, मैं अपने मोबाइल ऐप पर भी प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पे मोबाइल ऐप में सेलेक्ट करके यहाँ सारा डाल दूंगा, यहाँ पे से भी चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आराम से बैंक निफ्टी में भी चल रहा है और आराम से निफ्टी में भी चल रहा है। करेंसी देखिए 860 का प्रॉफिट हो गया और बैंक निफ्टी में देखिए 681 का प्रॉफिट हो गया, टोटल 2000 हुआ, 1500 का हो गया। चलिए धीरे धीरे आ जाएगा। तो क्या हुआ बताइए, मजा आया कि नहीं? कितना समय हो गया, 10:07, 1 घंटे के अंदर मेरा ट्रेड खत्म हो गया। मैं दिन भर ट्रेड क्या करूँ, कुछ नहीं, मेरा इस टर्मिनल का काम फिर नहीं, खत्म, कंप्लीट हो गया, जिंदाबाद। तो अपना इस तरह से मजा करिए, इंजॉय करिए, ट्रेड करिए और मस्त रहिए। तो चाहे तो प्रॉफिट बुक करिए, चाहे तो निकल लीजिए, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अच्छा खासा चल रहा है और मुझे लग रहा है कि एक टारगेट यहाँ 125 तक इसको आ जाना चाहिए और आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। वो देखिए आ रहा है, 715 हो गया, 786 हो गया, बढ़िया तरीके से चलता हुआ नजर आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में भी अब पॉजिटिव चीजें होने लगी है, पॉजिटिव मूवमेंट बन चुका है। और देखिए 727, 756, टोटल 1600 हुआ, 1700 हो गया, 1667, 1670, 1675, 1677। देखिए अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और बैंक निफ्टी का और क्लोज कर देता हूँ, है ना। तो ये चीजें कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलूंगा आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।